नहीं लगे। झारखंड के आदमी के गुस्सा होकर नौकरियां बेचे ना लगे, अखनी के गुस्सा लगे कभी बराती जीप तो अगर गलती से एक कुटिया मांस ना नहीं गुस्सा लगे। झारखंड के अंदर गुस्सा नहीं लगा, अगर नौकरी बेच दी अगर खेत बाड़ी बेच दी अगर कभी गुस्सा नहीं लगते झारखंड के, और गुस्सा कहाँ लगतो ना अपन भैया से यदि एक बिट्टा जमीन हरवा दाया के बाया चल गए तो तलवार लेके निकल गई। आरी पचमैनी बाबरू छबरू पार कहाँ से अलतीन हजारों हजार एकड़ जमीन कब्जा कर लेले, अब तो भवन सब कब्जा कर लेले, पहाड़ कब्जा कर लेले, लेकिन झारखंडी के गुस्सा नहीं। सही बात है कि नहीं? अच्छा एक बात बुझा, आज डेढ़ साल से आंदोलन भेलै, डेढ़ साल से आज आंदोलन भेलै, आज इतना इतना संख्या में लोग आंदोलन कर ले, लेकिन फिर भी सरकार एक के बाद एक नौकरी के बेच रहा है। नौकरी जाना है कि झारखंड के आदमी के नौकरी चाहिए, एकनी के शिक्षा चाहिए, एकनी के चाहिए पोल्ट्री मुर्गी के हरहावा चाहिए और 2024 से पहले दे भले राग लगाओ लेकिन सच्चाई हो। सरकार जाना है, आखिर एक बार बताओ सरकार जाना है कि नहीं? तो आज तक कम से कम सरकार एक बार चिट्ठी जारी या फिर किसी भी प्रकार से वो कहता है कि जब भी स्टूडेंट लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको बोलिए 5 प्रतिनिधि मंडल भेजे हम उनसे बात करेंगे। आज तक बात करा कोशिश नहीं कर लेते कि जाना है फिर अपनी की कर लेते बोले थी चिल्लाए थी हल्ला करे थी झारखंड के जनता के जाना या पर मैं कितना सोच के सकती है 2024 आए थे 2 नहीं पहले रात अपनी का ड्रम के ड्रम पहुंचाए दे भाई सारा वोट ले लो। और रामगढ़ तो खैर अगर किस्सा ही अलगे हो, यहाँ तो हमें पूरा मूड में पूरा फॉर्म में रहते चुनाव में मतलब बोले कि जिक्र नहीं करना है। तो आज देखा अगर जमीन में चोट लागो हो यदि जरा सा भी अपन आने वाला भविष्य की चिंता हो तो आज थोड़ा सा परित्याग कर रहे हैं। आज हमने 1.5 साल से त्याग कर डाली तपस्या कर डाली है, लगभग आधा दर्जन डेढ़ दर्जन हमने केस भाई गए तब हमने मैंने अपन काम कर डाली है। तो सैनिक प्रत्येक झारखंडी का आज त्याग करे, आज अगर त्याग नहीं करना तो हमने के नुकसान नहीं है, बंगाल है बंगाल है सबके अपन एगो राज्य के GSP पर व्यवहार 100 के 200 के 300 के 50 के प्रत्येक राज्य के अपन एगो GSP पर व्यवहार उस GSP पर में ऑटोमेटिक बाहर के आदमी कठिन छठिंग है जाए ये बुद्धि रहते तब तो दिमाग में रहते तो कहाँ से उधार ले रहा है पिंटू चिंटू सिंटू उधार ले रहा है दिमाग बाहरी ने अपना चढ़ा लगा कि दिमाग अगर उधार दे रहा है तो सही खातिर आज हर तरह से हमनी पे नौकरी रहे भाषा रहे हर तरह से अपनी बेच रहा है। यदि आज हमने सचेत नहीं भला तो 20-25 साल में हमने को वजूद खत्म हो जाए रांची तो हमी से पूर्वज हटाए पता कर यहाँ रांची मुड़वा में टोकरी सब्जी लेके बेचे ले जाता था एक समय जाले ना वो आज से 30-40-50 साल पहले हमी है गोला के है सिल्ली के माए मौसी सब उस समय के दादी सब मुड़िया में टोकरी लेके सब्जी बेचे रांची जहाँ लाए। आप बताओ रांची में तुरा एक बिट्टा जमीन नहीं बचल घोड़वा रहा एक सफल यानी रांची में चारों तरफ से बाहरी राय के अतिक्रमण करके CNT के जमीन लेके सब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाए गए। अब सोच ले जे भीड़ रांची में जमा है जे भीड़ ठीक है बोकारो में जमा है क्यों तल्ले में रहता है ना वो जमीन में उतरता है वो जमीन में उतरता है और यहाँ पैसा हो और यहाँ जमीन हो आप बताओ जमीन वहां का कैसे खरीद तोरे से नहीं खरीद तो अब जमीनवा बेचल बात तो हाथ नहीं तो अंदाजा हो जमीनवा बेचल बात तो हाथ नहीं तो अंदाजा हो ना अंदाजा हो हम घर के जबकि जो गैर बात पूछियो दोना दे तो कोना बप्पो में ना रखो ठीका में नहीं रखो जो बप्पा है जो तो नहीं सोच रहा ना कि भाई नौकरी चाकरी खत्म खेती बाड़ी खत्म तो जमीन वहां बेच के 3-4 पैसा करके बप्पा खा दी भाई तो जो बप्पा है यहाँ वह दोना दे तो कनवा ना देते मतलब बेटी आए ले अच्छा कर ले है 2-4-3-4 दोना ले ले पेट भर के दोना बना खा ले पेट भर के दोना दे तो रह ले कोना ना ले 2-3 दिन एक्स्ट्रा रहे तुम्हें तोहरे जे भतीजा लागो बोल तो एक हुआ हम कॉलेज जाए रहा हो कि रोज रोज पेट्रोल जले भाई चाल थोड़ा छोड़ के आवे भविष्य सोच वाला कि अंधकार हटे। आप एक बात बताओ
हमने कोई बिहार में तंबू खड़ा किया नहीं थी, ना ही ने उड़ीसा में गया ना बंगाल में गया, कबरो एक बिट्टा जमीन हमने कब्जा कर ले है। आज हमने लगभग 20% जमीन कब्जा कर चुका है। सरकार के आंकड़ा कहो 17 लाख एकड़, अगर 18.1 वर्ग किलोमीटर में तब्दील करनी तो लगभग 8,000-7,000 का लमसम, जबकि हमने ये क्षेत्रफल करना है 80,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 8,000 यानी लगभग 10% जमीन लगभग कब्जा भर चुका लो गवर्नमेंट में, और बाकी कब्जा कर लो अबरू सबरू गंगा पाल अपनी माइंड के चल 10-15%, यानी अनुमान हो लगभग 30% जमीन हमने कब्जा भर चुका लो। इस बात में लाए रही है कि हम तो बोला नहीं है पहाड़ में है, पता नहीं इस पहाड़ में की निकल तो सोना निकल तो की चांदी निकल तो क्या जानो, इस घमंड में ना रहे कि हमी को गोला और सिल्ली में रह गया, यहाँ तो हमें कहे ले और कहे लेना है तो रांची में बिल्डिंग में अगर संख्या बढ़ चुका है वो आप जमीन पसारे में अपन पांव पसारे का तो जमीन खोल दो, और सबसे अच्छा जमीन तो गोला वाला थी ना, बढ़िया बारी में सब्जी लगवा है, तो हमी जमीन के नजर पूरा दुनिया के ऑफिसर रहा है। तो सहल आज हमसे विनती कर रहा कि आज सबसे पहला काम करा, भाषा रहे संस्कृति रहे चाहे इंसान रहे वो तबे जिंदा रहा जब अपन जमीन रहा, यदि जमीन ना हो तो फिर कुछ ना हो। तो सहले नौकरी के लड़ाई तो चलते बस अफसोस है के कहता है कि बाप दादा के जो बलिदान भले ओकरा हमने शर्मसार के आज जो अपना बलिदान भले इतना जो आंदोलन भले झारखंड में कहे भले बस की मैंने फॉर्मेलिटी खातिर भले, आज चाहे निर्मल दा के शहादत रहे चाहे बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के शहादत रहे शेख भिखारी टिके दुमराव के शहादत रहे या अन्य जितना भी बलिदान दे ले हथिन चाहे रघुनाथ महतो रहे, सब यह मकसद से गल है कि कम से कम झारखंड के जगह झारखंड के जो लोग थे अपनी के अधिकार बस। तो आज एक बात सीधा जाएंगे, यदि आज हमने नए सोचा नए समझा तो आने वाला जो फ्यूचर हमने कहा वो बहुत दुखद है। दूसरा बात अभी 1932 के बाद चला है 1932 के खतियान, और हमार मानना है कि प्रत्येक सर बात जीरो बीमारी हले सात को बीमारी ले लेंगे, 1.5 साल पहले जीरो बीमारी हले अच्छा फुटबॉल खेल लिए नॉकशूट मार हले तो नेटवर्क फाट गए, लेकिन 1.5 साल के आंदोलन में सात को बीमारी ले ले तो कभी कभी हमने चिंता करते रहे जब नौजवान के बिहेव देखते रहिए मने पिए में खाए में अपन आपके बर्बाद कर, हमने को थोड़ा अफसोस लागा कि यार हम ककर खातिर लड़ रहा है और की खातिर लड़ रहा है। खैर हमने अपन इरादा में मजबूत हुई है, हमने अपन लड़ाई जब लड़ाई लग तैयार है तो लड़ भाई, बस तुम्हें से निवेदन करबो जकर खातिर लड़ाई है ओखनी दगा नहीं दी है, हम पहले कर ली जे काका जठा सब आयो अपनी उम्र पार भ एकनी वीडियो सीओ बने सपना भी टूट चुकल हो, एकनी मास्टर दरोगा पुलिस चपरासी भी नहीं बनते अपनी सपना टूट चुकल हो, ताकि अखनी 40-45-50 उम्र भय गल हो, लड़ाई तो हमने अखनी खातिर लड़ाई हो जो 10-12 में, तो अगर तोहनी नहीं समझ में तोहनी अगर नहीं बुझ में अरे तोहनी के हमनी सड़क में नहीं आवे कहे तोहनी के पढ़े कहे, तोहनी के हमने आंदोलन करे खाते सड़क में नहीं आवे, हमने तो कहे कि 353 लाख थे तो हमने पे लगे दिन सरवा 107 लाख थे तो हमने पे लगे दिन, लेकिन कम से कम तुमने पढ़नी की नहीं तोनी पढ़, हमने तो नहीं कहो कि 10-12 वाला हमने हमेशा पूछे कि दादा हमने पढ़वाई की आंदोलन करवाई, खाली आंदोलन हमने कर रहा है तो हमें बस नैतिक सपोर्ट करिए, घरे मैया के पप्पा के बुझाइए कि आंदोलन भेव है नुकसान की लगे बुझाइए, और थोड़ी पढ़ थोड़ी पढ़ाई कर, बिना पढ़ाई के बिना एजुकेशन के बदलाव ना, बिना एजुकेशन के बदलाव ना, अरे तो एजुकेशन की ताकत लगे या थोड़ी हुआ है हम नहीं आई, बस थोड़ा सा ही हमने को ना आसमान से घाट में डर है कि नहीं है एकदम नहीं डरता है, हम चले हम जब घर से निकलते हैं ना तो असली गर्दन सारा घरे में रख के आते हैं, हम तो सोचते नहीं कि सर में गर्दन है, लेकिन हाँ यदि हमको कुछ हुआ तो फिर हम लोग हिसाब ऐसा होगा कि उस समय किसी को नहीं पहचाना, आज अगर हमने कहीं जाए है और अगर वहाँ मोर्चा संभाला खातिर बड़ा बड़ा आईएस आईपीएस आ जाए तो कारण एजुकेशन की हमने सवाल ऐसा नहीं कि हमने कोना देखे में भारी है देखे में डरावना है, हमने सवाल डरावना हो और सवाल कहाँ से ले शिक्षा से पढ़ाई से ले एजुकेशन से, हाल फिलहाल तुमने देख लिया अब नर्सरी की बेटी चौहान घर है बोले के ठेकान ना कोई 7-40 क्या है,
नर्सरी के किधर? मोबाइल में देखो, हम कहे तुम कार्टून देखती है कि 60-40 कोने पापा का मोबाइल में आप लोग का वीडियो देखते हैं। तो आज जितना भी नौजवान यहाँ आए हैं, जुटले हैं, तो नहीं अपन अपन काम करा। हमने को उस समय अच्छा लगता है जब हमने लॉग वीडियो सीओ दरोगा बनता, हमने लॉग डीएसपी तक जीता, एसपी तक जीता, तो हमने की आरो अच्छा लगता। लेकिन कोई आज झारखंड में लूटा है क्या? जरा तो लूटे वाला ये नेता मंत्री के बोका सीधा बात बोले अपने कुछ नहीं लूटो। ये जितना भी हमने नेता मंत्री बोका अभी कुछ नहीं लूटो, तो अमूट अच्छा पहले की जानो। अरे एक ने पूछे ना एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? हम ईमानदारी से कहे 81 का मैं जब भी 15 को 20 को 25 में कह पाते तो हो, लेकिन अगर भैया 50 से अधिक है एमएलए बताने पाते कि एमएलए के फुल फॉर्म की लो मजाक नहीं करे। अभी मान के चल हमने जेएसएसयू के माध्यम से प्रत्येक विधायक के हमने गले ना कि आप समर्थन देते हैं कि नहीं देते हैं, अरे काम कर रखा लगे एमएलए का फुल फॉर्म लिख के दीजिए तो हेलीकॉप्टर पेट में। आज जो हमने 40 के लेके 81 विधायक और 14 सांसद अखनी के जो लेटर दिलिए कि आप 60-40 का समर्थन करते हैं कि नहीं करते लिख के दीजिए, अखनी के पास इतना लिख के दिया खाले आ रहा कि एमएलए का फुल फॉर्म लिख दीजिए। अखनी का मतलब सरवा 60-40 का विरोध करते हैं लेकिन एमएलए का फुल फॉर्म नहीं लिखे। सही कोई मजाक में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आज यदि अगर तुम्हें गूगल से यदि कहते कहने की सर एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तखने स्पेलिंग पूछे तो धुआं धुआं करिए। मेंबर के लेजिस्लेटिव के और असेंबली की सर स्पेलिंग तीनों के स्पेलिंग टेढ़ा है आसान लगे मैंगो लगे तीनते एमएनजीओ मैंगो मैंगो मने आम ये दशा हो झारखंड। तो ये आईएएस आईपीएस जो ना हमने एक मंत्री से भी ज्यादा लिखा देख ले छवि रंजन पूजा सिंघल वो इंजीनियर क्या लो वीरेंद्र राम अगर बैठवा करना है 35 सर के टीशर्ट पहना लो ना हमारा पूरा एक बार फेंक देना हमने के पूरा विश्वास हुआ जितना झान चुका है ना हमारा पूछा 35,000 के आज देना सब क्या भैया जितना लोग अभी है अपनी का जीता तो जितना अधिकारी लूटल है इस राज्य के उतना कोई नहीं लूटा। अगर लेकिन नेता मंत्री सब अंगूठा छाप लगा अखनी के पते ना है बस अखनी के खाली चूंकि जितना भी आओ ड्राफ्टिंग भाई की अखनी के नियम जहाँ साइन मारा अंग्रेजी से अखनी कहे की लिखल हाँ ये लिखा लो कोका सब साइन मार के लिख लो। लेकिन अगर एक एक गलत साइन से अगर राज की दुष्प्रभाव पड़ रहा है अखनी के ना मान अरे अखनी कैसे मालूम रहता बताओ ऑकवर्ड हालत छवा जन्मा ना हो और डिसाइड भाई गलो की बेटा भेतो तो डीएबी में और बेटी भेतो तो डी नौबली में तौर गिला सिलेट लेके ना अभी प्लेट लेके जाओ की जड़ी खाए गलत करे की अभी हाल फिलहाल को विधायक के बेटा के पेपर में वायरल है तो 2 करोड़ के संपत्ति है ना बालिग सर बालिग भी नहीं 2 करोड़ में कितना है पता नहीं तो ओकरा की पता है भाई कि 60-40 की लगे ओकरा की मतलब है चपरासी हवलदार।